रावल डैम के इस पॉइंट पे जो कोनों से जो है वो एक रोड ऊपर से जा रही है, ऊपर रोड बनी हुई है और चारों तरफ ये जैसे जैसे ये घूम रहा है डैम वैसे वैसे वहाँ तक बनी हुई है, ये यहाँ तक रोड बनी हुई है, यहाँ पर जाके आगे स्पिलवेज है वहाँ तक रोड बनी हुई है। तो यहाँ पे बाड़ भी लगाई हुई है इस रास्ते से इधर कुछ लोग आते हैं, तो फिर ये इधर से जैसे ये जगह पता नहीं कैसे बनी हुई थी तो मैं यहाँ से गया हूँ, वहाँ से बनाई मैंने ये जगह जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये रावल डैम है। और ये रावल डैम की वो जगह है जो कि माजी में यहाँ पर पिकनिक पॉइंट हुआ करता था, आम पब्लिक के लिए ये ओपन था, लेकिन अब ये रावल डैम जो है इसका जो व्यू पॉइंट है वो चेंज कर दिया गया है और यहाँ पर इसको जो है वो आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। नई वो जो जगह है वो लेक व्यू पार्क कहलाती है, वो उस तरफ है, लेकिन ये जो पीछे पूरा सराउंडिंग है ये पूरे ऊपर से रोड जा रही है आगे, ये पूरा आगे वहाँ पे जाके स्पिलवेज भी हैं और बड़ा ख़ूबसूरत मंजर है। ये इंतहाई खूबसूरत जगह है रावल डैम का ये पॉइंट है, लेकिन नागुज़ीर वजूहात की बिना पर इसे जो है वो बंद कर दिया गया था, लिहाजा अब ये आम पब्लिक के लिए बंद है, लेकिन जो अंदर लोग रहते हैं जो एम्प्लॉइज़ रहते हैं वो बहरहाल ज़रूर यहाँ पे विज़िट करते हैं या उनके जानने वाले कर सकते हैं, लेकिन आम पब्लिक की रसाई अब यहाँ पर नहीं है। तो मैंने कहा क्यों ना अगर मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो आप लोगों को ये मंज़र भी दिखा दूँ और ये खूबसूरती दिखाऊँ रावल डैम की, वो खूबसूरती जो माजी में यहाँ पर लोगों को देखने के लिए मैसर थी, लेकिन अब चूँकि रावल डैम का जो व्यू पॉइंट है वो चेंज कर दिया गया है, इसके दूसरी तरफ एक पार्क बनाया गया है जिसे लेक व्यू पार्क कहलाता है, उसके नाम से ये जाना जाता है। और अब जो जिनको भी जाना होता है रावल डैम देखने के लिए वो लेक व्यू पार्क जाते हैं और यहाँ कश्ती रानी होती है। माजी में इस जगह पर भी जो है वो कश्ती रानी होती थी और यहाँ से कश्तियाँ वो अंदर जाती थी, जो भी लोग यहाँ पर आते थे वो सैर करने के लिए कश्तियों में यहाँ पर जाते थे, लेकिन अब ये जगह बंद कर दी गई है। लेकिन यह है कि जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो यहाँ पर खूब इससे लुत्फंदोज़ होते हैं, बहरहाल यहाँ पर फ़िशिंग भी काफ़ी होती है और लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर मछली का शिकार भी करते हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पर मौजूद है, बतखें मैंने देखी यहाँ पर इस पानी में तैरते हुए बतखें, बहुत प्यारा मंजर पेश कर रही थी। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी कि आपको ये दिखाएं रावल डैम का ओल्ड जो पॉइंट है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने कहा इस जगह को जो है वो एक छोटी सी जगह वीडियो बनाई जाए और जो नाज़रीन हैं जो मेरे व्यूवर हैं मेरे चैनल के व्यूवर हैं इस वीडियो को जो है वो उनसे शेयर किया जाए। तो ये आपने रावल डैम देखा, रावल डैम मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं बचपन में यहाँ आया करता था, मैं तकरीबन मैट्रिक में था या फर्स्ट ईयर में था उस वक्त यहाँ पर विज़िट किया था, बहुत अर्सा पहले की बात है ये, तो इस वजह से मुझे काफ़ी लगाव है जगह का और मुझे बहुत पसंद है। और मेरी नज़र में अभी भी ये जगह जो है वो उस जो व्यू पॉइंट है लेक व्यू पॉइंट उससे ज़्यादा खूबसूरत जगह है ये, तो लेकिन पता नहीं ये क्यों शिफ्ट किया गया है या फिर यहाँ पे जगह कम थी क्योंकि एक छोटी सी रोड है, जैसे कि ये रोड है आगे भी ऐसी रोड है, तो यहाँ पर काफ़ी रश होता था, लोग ऊपर गाड़ियाँ भी लेके आ जाते थे, ये बंद कर दी गई। तो ये पीछे इसके जो है वो मरगला की पहाड़ियाँ हैं, ये यहाँ इसके साथ ही जो मरगला की पहाड़ियाँ हैं रावल, ये जैसे आप फैज़ाबाद से अगर आएँ या फिर आप एक्सप्रेस वे से आएँ दोनों तरफ से ये रास्ता इधर आता है और इस्लामाबाद की तरफ आते हुए ये रावल चौक आता है, वहाँ से छोटा सा रास्ता अंदर आता है वहाँ पे ये जगह है। रावल डैम ओल्ड व्यू पॉइंट जो है वो अनकरा पार्क बना है तुर्की के तावन से जिसके अंदर से मैं अभी गुजर रहा हूँ, तो ये यहाँ से एक रास्ता जाता है वहाँ से अभी एंटर हो सकते हैं। और दूसरा ये कि तुर्की के तावन से ये पार्क बनाया गया था, इसके फ्रंट वाली जगह मैं आपको दिखाऊँ, ये फ्रंट वाली जगह है, मैं चलता हुआ आ रहा हूँ जहाँ ये वॉकिंग ट्रैक भी बना हुआ है यहाँ पे और साथ में वो रोड गुजर रही है जो पिंडी को इस्लामाबाद से बुलाती है, ये रोड ये पिंडी आने जाने के लिए और इस्लामाबाद आने जाने के लिए ये रोड है। ट्रैफिक का शोर भी आप सुन सकते होंगे और आसपास ये खूबसूरत मंज़र इस पार्क में जहाँ लोग जॉगिंग कर रहे हैं वॉक कर रहे हैं, वहीं साथ क्रिकेट भी हो रही थी,
ये अनकरा पार्क। बच्चों के लिए झूले भी हैं यहाँ पे, लेकिन अब बर्बाद हो चुके हैं। अभी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है।